बाद बड़ी खबर के साथ करेंगे बाराबंकी से, जहां भीषण बस हादसे की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बिना परमिट के ही रोड पर दौड़ रही थी डबल डेकर बस, 32 बार इस बस का चालान हो चुका है। साल 2014 में हुआ था हादसाग्रस्त डबल डेकर बस का रजिस्ट्रेशन। प्रतिबंध के बावजूद हरियाणा से बिहार जा रही थी बस। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निर्मल प्रसाद को जांच अधिकारी बनाया गया है, जो लगातार मामले की जांच कर रहे हैं। शासन को भेजी जाएगी डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की जांच रिपोर्ट। मंगलवार देर रात हुए हादसे में 18 लोगों की जान गई थी, 24 लोग घायल हुए थे जिनका इलाज चल रहा है। साथ ही इस मामले की जांच भी की जा रही है। जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि बिना परमिट के ही ये बस रोड पर दौड़ रही थी। एक और खुलासा ये कि इस बस का 32 बार चालान भी हो चुका है। और तीसरी बड़ी बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि प्रतिबंध के बावजूद भी ये बस रोड पर चल रही थी। शासन को हालांकि रिपोर्ट भेजी जाएगी डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा, ये जांच की गई है, रिपोर्ट बनाई गई है और रिपोर्ट अब शासन को भेजी जाएगी। आगे क्या कार्रवाई होती है देखना होगा। तो बाराबंकी बस हादसा मामले में आरटीओ ने एनएचएआई पर केस दर्ज कर दिया है। आरटीओ ने एनएचएआई को हादसे के लिए जिम्मेदार मानते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। एआरटीओ का आरोप है कि हादसे से पहले बस घंटों हाईवे पर खड़ी रही, लेकिन एनएचएआई की ओर से लापरवाही दिखाते हुए किसी ने बस को हाईवे से नहीं हटवाया। वहीं इस मामले में बस और ट्रक ड्राइवर और मालिकों समेत अज्ञात टोल कर्मियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि बीते 28 जुलाई की देर रात में जिले के राम सनेही घाट थाना क्षेत्र में कल्याणी नदी के पुल पर खड़ी डबल डेकर बस में एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं कई लोग घायल हुए थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे को लेकर पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई लोगों ने दुख व्यक्त किया था। और इस घटना में जैसा कि आप अवगत हैं कि 18 लोगों की अनफॉर्चुनेट मृत्यु की अब तक पुष्टि हो चुकी है। रही बात कार्रवाई की, तो इसमें एक एफआईआर दर्ज करा दी गई है और एफआईआर में उस ट्रक का जो ड्राइवर जिसने पीछे से धक्का मारा और जो बस ट्रैवल एजेंसी थी और जो बस का ड्राइवर, उन सबके खिलाफ एफआईआर हुई है।